ये खूबसूरत सा दिखने वाला कॉक्सकॉम का प्लांट है, तो कलरफुल लीव्स के साथ इसमें बहुत ही खूबसूरत से फूल भी खिलते हैं और उसमें बहुत सारे सीड भी बनते हैं। और जब इस पर सीड बनते हैं तो वो जहाँ आपने प्लांट लगाया होगा वहाँ आसपास गिर जाते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट सीजन आता है तो इसके छोटे छोटे प्लांट है अप्रैल मई में उगना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से ये प्लांट आस्ता आस्ता बढ़ता जाता है और इसमें फ्लावरिंग होती है। जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो तब इसमें फ्लावरिंग होती है, सितंबर अक्टूबर में या नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है। और इस तरीके से प्लांट एक बार आपके गार्डन में आ गया तो बस फिर हमेशा के लिए आपके गार्डन में बना रहेगा और खुद ही ये ग्रो हो जाता है अपने सीड से ही। और इस तरीके से आपके गार्डन में गर्मी के दिनों में खूबसूरती और फ्लावरिंग जो है अपने बिखेरता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। एक बार आप इसको कहीं से ले आके ला के अपने गार्डन में लगा लीजिए तो हमेशा के लिए ये आपके गार्डन में उगता रहेगा हर साल।